जो मैं आगे बढ़ने से पहले यार आप सभी के लिए बिगेस्ट अनाउंसमेंट अन अकेडमी की तरफ से अन अकेडमी 20 अनलॉक अनलॉक 20% ऑफ ऑन एल ऑल अन अकेडमी सब्सक्रिप्शन पे 30 to 31 जनवरी आज यार इसका लास्ट डेट है। आप अगर जो कोई भी अन अकेडमी का सब्सक्रिप्शन ऐसा परचेज करने के लिए सोच रहे हो तो आज यार लास्ट डेट है। चाहे आज जो है आप लोग इनरोल कर लो, जो है 20% का आपको डायरेक्ट ऑफ मिल रहा है। आपको इनरोल करते टाइम आपको मेरा कोड यूज करना है सोनू 123, ताकि आपको 20% का जो है डायरेक्ट इंस्टेंट ऑफ मिल जाएगा, ठीक है। एंड देन आफ्टर नेक्स्ट है अन अकेडमी प्रोडजी, जिसमें कि आप लोग 20 लाख तक का कॉलेज का फीस आप लोग विन करने का चांस मिल रहा। 6 फरवरी को 10 AM से जो है आपका ये टेस्ट होगा। एग्जिस्टिंग स्कॉलरशिप एंड रिवार्ड्स भी आपको मिल रहे होंगे। एंड ये आप लोग देख सकते हो, ये जो है आपका स्केड्यूल है सभी क्लास का, डिफरेंट डिफरेंट क्लास वाइज जो है 6 फरवरी को यहाँ पे आप लोग जो है स्केड्यूल डिटेल में देख सकते हो। एंड नेक्स्ट आप लोग रिवार्ड्स एंड जो आपको स्कॉलरशिप प्रोवाइड किए जाएंगे, मैकबुक एयर, एप्पल आईफोन, एप्पल आईपोड, अमेजन इको डक्ट, एंड उसके बाद फिर आपके रैंक के बेसिस पे आपको अप टू 100% तक जो है स्कॉलरशिप ये सब प्रोवाइड किए जा रहे होंगे। एंड देन आफ्टर यार अर्ली इंथवाइज 3.0 बैच फॉर जेई मेन एंड जे एडवांस 2023 के लिए इंडिया के टॉप एजुकेटर आपको इस बैच में पढ़ा रहे होंगे। बैकलॉग आपका कवरेज कराया जाएगा। क्लास 11th का रिविजन के साथ साथ क्लास 12th प्रिपरेशन के साथ साथ आईटी जेई मेन्स एंड जे एडवांस 2023 के लिए प्रिपरेशन कराया जाएगा। नेक्स्ट ईयर एमसीक्यू क्रैश कोर्स 2.0 बैच फॉर जेई मेन्स, जो कि 2022 के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, आपका इंडिया के टॉप एजुकेटर पढ़ा रहे होंगे। 3 मंथ का रिवीजन कोर्स होगा। प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड कॉन्सेप्ट बिल्डिंग बैच स्टार्ट हो रहा है 2 फरवरी से। एंड नेक्स्ट ये आप लोग देख सकते हो, अगर जो डेली प्रैक्टिस पेपर देना चाहते हो, डेली आप लोग मॉक टेस्ट ये सब देना चाहते हो, तो डेली प्रैक्टिस पेपर फॉर जेई मेन एंड जे एडवांस के लिए मंडे टू थर्सडे यार शाम को 7 बजे जो है टेस्ट होता है। 30 मिनट में 30 क्वेश्चन, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री का 15 15 क्वेश्चन आपको करने होते हैं, ठीक है। तो इन सभी का लिंक जो है मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। एंड टेस्ट के लिए जो है सभी का जो है बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, आप इनरोल कर सकते हो। इनरोल करते टाइम आप मेरा कोड यूज करना सोनू 123। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यार जैसा कि आप लोग देख सकते हो, वीआईटी विल्लोर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। तो ये यार सबसे पहले इसका सुंदर सा कैंपस आप लोग देख सकते हो, ये बाहर का व्यू है, ठीक है। एंड ये जो है आपका ये जो पूरा सेक्शन है ये आपका मेन गेट है। तो वीआईटी विल्लोर ये मेन कैंपस है। तो वीआईटी विल्लोर में यार आपका एडमिशन वीआईटी का, यानी कि 3-4 कैंपस है। तो इसमें जो है एडमिशन लेने के लिए VT 2022, यानी कि वीटी के नेम से जो है आपका एग्जाम होता है, वीआईटी इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जामिनेशन, ठीक है। तो ये सबसे पहले यहाँ पे आप लोग देख सकते हो। एंड देन आफ्टर यार सबसे पहले हम लोग बात करें तो आपका यहाँ पे अबाउट देख सकते हो वीआईटी विल्लोर के बारे में। 1984 यार ये कॉलेज जो है एस्टैब्लिश हुआ है, तो इस तरह से आप लोग देख सकते हो 38 साल यार ओल्ड जो है पुराना कॉलेज, ठीक है ना। तो बहुत यार पुराना कॉलेज है, एलुमनाई नेटवर्क बहुत ही ज्यादा है, कंपनी बहुत ही ज्यादा मिस विजिट करती है। नंबर 1 यानी कि प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज में इसका नेम आता है, ठीक है। एंड देन आफ्टर यहां पे प्रोग्राम क्या क्या ऑफर किए जाते हैं, जैसे कि एरोस्पेस इंजीनियरिंग, तो ये जो है वीआईटी भोपाल में जो है एरोस्पेस इंजीनियरिंग होता है, ठीक है। एंड उसके बाद फिर बायोटेक्नोलॉजी, तो ये जो है वीआईटी विल्लोर में, एंड वीआईटी का यार 4 कैंपस है आपका, वीआईटी विल्लोर, वीआईटी चेन्नई, वीआईटी एपी यानी कि आंध्र प्रदेश, एंड वीआईटी भोपाल में, ठीक है। तो इस तरह से आप लोग जो है पूरा क्या क्या सारे कोर्स, क्या क्या सारे ब्रांचेज होते हैं वो आप लोग हर वीआईटी का डिफरेंट डिफरेंट आप लोग देख सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले प्रोग्राम ऑफर के बारे में बताया गया है। एंड देन आफ्टर आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यानी कि नेशनलिटी के बारे में बताया गया है, नॉन रेसिडेंट्स, इंडियन नेशनल के बारे में। रीजन अप्लीकेंट्स शुड अप्लाई थ्रू, ये जो है लिंक है इसके थ्रू, जो फॉरिजन जो फॉरेनर स्टूडेंट है इस लिंक के थ्रू अप्लाई कर सकते हैं। एंड देन आफ्टर एज लिमिट के बारे में बताया गया है कि अप्लीकेंट्स हुज डेट ऑफ बर्थ फॉल्स आफ्टर 1 जुलाई 2000 आर एलिजिबल टू अप्लाई यूजी इंजीनियरिंग एडमिशन, ठीक है, 2022 के लिए। तो इस तरह से यहाँ पे एज लिमिट के बारे में देख सकते हो। एंड देन आफ्टर क्वालिफाइंग ऑफ एग्जामिनेशन आपके 10+2 के लिए जो है आपका, एंड इसका जो है कैसे अप्लाई करना है वो भी मैं अभी थोड़ी देर में बताने वाला हूँ, ठीक है। एंड देन आफ्टर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो है आपका फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ में एग्रीगेट जो है एटलीस्ट 55% होना चाहिए एडमिशन के लिए, एंड फॉर SC ST अप्लीकेंट्स बिलोंग टू SC ST कैटेगरी के लिए, एंड जम्मू एंड कश्मीर के लिए, लद्दाख स्टूडेंट्स यानी कि नॉर्थ इंडियन स्टूडेंट है, तो उन सभी के लिए जो है एग्रीगेट 45% भी अगर जो रहता है तो भी आप लोग को एडमिशन हो जाएगा, ठीक है। एग्जाम पैटर्न की यार बात करें, वीटी का एग्जाम पैटर्न क्या होता है, तो यहाँ पे वैसे स्टूडेंट जो कि MPC यानी कि मैथ फिजिक्स केमिस्ट्री से रहते हैं, तो उनके लिए जो है मैथ फिजिक्स केमिस्ट्री इंग्लिश एप्टीट्यूड मैथ का 40 क्वेश्चन, नंबर ऑफ क्वेश्चन यहाँ पे आप लोग देख सकते हो 40 35 35 5 by 10, एंड उसके बाद फिर 10। एंड उसके बाद फिर जो स्टूडेंट्स बायोलॉजी फिजिक्स केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी वाले रहते हैं, तो उनके लिए जो है बायोलॉजी का 40 क्वेश्चन, एंड फिजिक्स का 35, केमिस्ट्री 35, इंग्लिश एंड एप्टीट्यूड का। टाइमिंग जो रहता है आपका 2 आवर एंड 30 मिनट्स, 2.5 घंटे का जो है ये पेपर होता है, एंड ये जो होता है आपका एग्जाम पैटर्न होता है। एंड देन आफ्टर यार जो है आपका अगर जो एडमिशन प्रोसेस का बात करूँ, तो एडमिशन प्रोसेस में आपका जो है सबसे पहले HTTPS VT के VIT के जो है ऑफिशियल वेबसाइट की अगर जो बात करूँ, तो ऑफिशियल वेबसाइट का भी लिंक जो है मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, डिस्क्रिप्शन में चेकआउट करो। एंड ये जो है आपका ऑफिशियल वेबसाइट है, एंड यहाँ पे जैसे ही ऑफिशियल वेबसाइट पे आओगे, तो ऑफिशियल वेबसाइट पे यहाँ पे न्यू यूजर, सबसे पहले यहाँ पे आप लोग को कैंडिडेट नेम, आपको जो है रजिस्ट्रेशन करने के लिए कैंडिडेट नेम, एंड उसके बाद फिर रेसिडेंशियल स्टेटस, डेट ऑफ बर्थ एंड जेंडर, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी यार वही देना जो कि आप लोग लॉटेस्ट यानी कि रिसेंट आप
जो यूज कर रहे हो, ठीक है, क्योंकि आपका जो है पासवर्ड ये सब एंड और भी जो भी बहुत सारे इन्फॉर्मेशन होगा आपके मोबाइल नंबर पे एंड आपके जो ईमेल आईडी दोगे उसी पे आते रहेगा, ठीक है। एंड देन आप यहाँ पे इंटर वेरिफिकेशन कोड ये आप लोग इंटर करके जैसे रजिस्टर करोगे तो आपको जो है एक यूजर नेम एंड जो है आप एक पासवर्ड क्रिएट करने का ऑप्शन आ जाएगा। तो यहाँ पे आपने रजिस्ट्रेशन कर लिया, रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपको कुछ भी चेंजेस करना है, कुछ भी और भी बाद में कुछ चेंजेस करना है, देन आफ्टर जो है आपको ओनली मीन से डायरेक्टली जो है ऑफिशियल वेबसाइट पे ही आना है वीटी का, जो कि मैंने लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। एंड वहां पे आने के बाद आप लोग को सिंपली लॉग इन पे क्लिक करना है। आपने रजिस्ट्रेशन करने के बाद जो है आपको रजिस्टर्ड ईमेल आईडी यहाँ पे पुट करोगे, यहाँ पे फिल करोगे, देन आफ्टर आप जो पासवर्ड जो है अपनी से जनरेट करोगे वो पासवर्ड फिल करने के बाद आप जो है लॉग इन करने के बाद आपको जो है चेंजेस ये सब कर सकते हो, अपना जो है एग्जाम सेंटर ये सब कर सकते हो, ठीक है। एंड अब यार बात कर लेते हैं, देन आफ्टर उसके बाद फिर क्या होगा कि एप्लीकेशन वेरिफिकेशन एंड सिक्योरिटी होगा आपका जो ये सब सारा यार प्रोसेस करना पड़ेगा, ठीक है। रजिस्ट्रेशन करने के बाद जनरेट लिंक फॉर टेस्ट स्लॉट्स बुकिंग एंड कैंडिडेट, आपको जो है टेस्ट का स्लॉट ये सब बुक करना है, टेस्ट स्लॉट एंड सेंटर बुकिंग एडमिट कार्ड जनरेशन बाय कैंडिडेट, आप लोग खुद में टेस्ट स्लॉट एंड सेंटर ये सब बुक करोगे ताकि आपका जो है एडमिट कार्ड जनरेट हो। देन आफ्टर अपियर फॉर वीटी 2022 के एग्जाम में, देन फिर आपको अपियर करना है एंड उसके बाद फिर वीटी 2022 का जो है रिजल्ट अनाउंसमेंट होगा। कॉल लेटर फॉर ऑनलाइन काउंसलिंग बेस्ड ऑन वीटी 2022 रैंक में, आपके रैंक के बेसिस पे जो है आपको कॉल खुद या वीआईटी की तरफ से ही आएगा। एंड उसके बाद फिर प्रोविजनल एडमिशन लेटर टू वीटेक प्रोग्राम आपको जो प्रोवाइड किया जाएगा। एंड उसके बाद फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा एंड उसके बाद फिर डॉक्यूमेंटेशन ऑफ क्लासेस प्रीवियस ईयर। यार जो है ऑनलाइन जो है एग्जाम इसका हुआ था तो बहुत सारा चीटिंग ये सब हुआ था, इसीलिए जो है इस बार आपका टेस्ट सेंटर प्रोवाइड किया जाएगा एंड उसके बाद फिर जो है आपका एग्जाम कंडक्ट होगा ऑनलाइन प्रोसेस है, ठीक है। एंड ये जो है आप लोग टेस्ट सिटी ये सब देख सकते हो कि आप लोग कहाँ कहाँ से बिलोंग करते हो, पूरा ऑल ओवर इंडिया में टेस्ट सिटी है। एंड देन आप यार इस ये सभी और भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे आप लोग पढ़ सकते हो। इंपॉर्टेंट डेट्स क्या क्या है आपका एग्जाम इस कब होगा, तो इसके बारे में देखो आप लोग को बताया गया है कि लास्ट डेट फॉर रिसिप्ट ऑफ एप्लीकेशन है कि लास्ट डेट जो रजिस्ट्रेशन करने का 31 मार्च 2022 बताया गया, ठीक है। यानी कि ये जो है थोड़ा सा यानी कि इंक्रीज डिक्रीज भी हो सकता है, इंक्रीज जहाँ से जहाँ तक यार इंक्रीज ही होगा 31 मार्च तक अगर जो मार्च तक अगर जो दे दिया गया, ठीक है। एंड इसके बाद फिर वीटी 2022 का एग्जाम डेट कब होगा, तो वो होगा आपका लास्ट वीक ऑफ अप्रैल में टेंटेटिवली, मींस ज्यादा चांसेस है कि एंड उसके बाद फिर हो सकता है कि पोस्टपोन ये सब भी हो सकता है। काउंसलिंग डेट्स सेकेंड वीक ऑफ मई 2022 टेंटेटिवली, ठीक है। एंड प्लेसमेंट कॉलेज के प्लेसमेंट के बारे में यार यहाँ पे कुछ स्टेट्स बताए गए हैं, इस कॉलेज का प्रीवियस ईयर का रिकॉर्ड क्या रहा है। एंड देन आफ्टर रैंकिंग एंड एग्रीगेडेशन यहाँ पे आप लोग देख सकते हो नैक ए प्लस प्लस ग्रेड एन आई आर एफ रैंकिंग रैंक्ड 1-2 बेस्ट इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूशन ऑफ इंडिया, ठीक है। तो ओवरऑल यार मिस नंबर वन प्राइवेट कॉलेज में आता है, बिट्स पिलानी का भी मिस नंबर वन हो जाता है, कभी वीआईटी भिल्लौर का मेन कैंपस, ठीक है। एंड यहाँ पे आप लोग देख सकते हो माइक्रोसॉफ्ट अमेजॉन इंटेल ये सभी जो है आपको पूरा डिटेल में यहाँ पे दिया गया, ठीक है। तो ये जो है पीडीएफ जो है मैं इन्फॉर्मेशन बुलेटिन है, वीटी 2022 का इन्फॉर्मेशन बुलेटिन है, इसका जो है पीडीएफ मैंने लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर सकते हो डायरेक्ट। एंड वीटी का भी ऑफिशियल वेबसाइट जो है मैंने दे दिया है, तो यहाँ से आप लोग जो है अपने आप को खुद से रजिस्ट्रेशन ये सभी कर सकते हो, ठीक है। एंड चैनल पर आप लोग नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, क्योंकि यार वीटी से रिलेटेड और भी सारा अपडेट्स स्टडी गाइडेंस ये सब सारा काउंसलिंग ये सब भी मैं कराने वाला हूँ आपको, पूरा जो है काउंसलिंग टू एडमिशन तक सारा वीडियोज आते रहेंगे। तो मेक श्योर चैनल पे आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर से जरूर कर देना। एंड आप लोग यार जेई मीन्स का अगर जो प्रिपरेशन कर रहे हो तो एज ए ऑप्शन एज ए मीन्स बैकअप आप लोग जो है वीटी का भी एप्लीकेशन फॉर्म जरूर से जरूर फिलअप कर देना, ठीक है। तो बाकी बस इस वीडियो में यही बताना था ताकि यार आपका अगर जो जेई मीन्स में अच्छा नहीं हो पाए तो आप लोग जो है वीटी एक ऑप्शन रहे कि आप प्राइवेट कॉलेज की तरफ एंड एक यार मीन्स टॉप आईआईटी लेवल का कॉलेज की तरफ भी आप मूव कर सको, ठीक है। इसमें यार मीन्स फीस ये सब हो सकता है थोड़ा ज़्यादा लगेगा, लेकिन इसमें यार मीन्स प्लेसमेंट एंड आरओआई यानी कि रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट ये सभी ठीक ठाक है। अगर जो आपका टॉप यानी कि वीआईटी भिल्लौर के मेन कैंपस में जो है वीआईटी भिल्लौर उसमें विद सीएससी ब्रांच आपका एडमिशन हो जाता है तो ठीक है। तो बाकी बस यार आई होप वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर दें एंड आप अपने फ्रेंड के साथ जरूर से जरूर शेयर करें। तो बाकी बस इस वीडियो में इतना ही, बाकी मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट किसी अपडेट के साथ, इन्फॉर्मेशनल वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल एंड थैंक यू वेरी मच।